दोस्तों, डिप्रेशन आज एक सामान्य विकार है। विश्व स्तर पर सभी उम्र के 264 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। डिप्रेशन दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है और बीमारी के समग्र वैश्विक बोझ में एक प्रमुख योगदानकर्ता भी है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है, जिसके चलते महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बीमारी से निकलने की हिम्मत जुटा पाते हैं, जिनमें एक नाम बॉलीवुड एक्टर माँ अक्षय चक्रवर्ती का भी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको माँ अक्षय के डिप्रेशन के बारे में ही बताने वाले हैं कि है कब और क्यों डिप्रेशन में गए और उससे किस तरह से बाहर आए। तो अगर आप भी इनके डिप्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल हमेशा अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती की तरह खुश और बिंदास रहने वाले अभिनेता माँ अक्षय चक्रवर्ती भी कभी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जिसका असर इनके करियर पर भी पड़ा था। बता दें कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जिसके कारण ये पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गए, और वो दौर था इनके करियर के शुरुआती दिनों का। तब इन्होंने खुद अपने दम पर फिल्मों में काम करने का मन बनाया, लेकिन उस वक्त इनका लुक एक हीरो वाला बिल्कुल भी नहीं था। वही डायरेक्टर से बार बार रिजेक्ट होता हुआ देख इनका खुद पर से भी विश्वास उठने लगा था, और इस तरह लगातार रिजेक्शन मिलने के चलते यह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे थे। वही डिप्रेशन की उस घड़ी में इन्होंने खुद को कमरे में बंद तक कर लिया और सभी से दूरी बना ली। यह सारा सारा दिन अपने कमरे में रहते, ना खाना खाते, ना किसी से बात करते, बस दिन भर यही सोचते रहते कि इनसे अब कुछ नहीं होगा, तो इनके जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए इन्होंने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, पर जब ये बात इनके पिता मिथुन चक्रवर्ती को पता चली तो उन्होंने अपने एक फिल्म डायरेक्टर दोस्त राजेश सिप्पी से बात कर इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिलवाया। इस तरह इन्होंने साल 2008 में आई फिल्म जिम्मी से बॉलीवुड डेब्यू किया था, और फिर इस फिल्म में काम करने के बाद महाक्षय मिहमो के नाम से मशहूर होने लगे, जिसके बाद इन्हें एक के बाद एक हिट फिल्में मिलने लगी, जिनमें धड़क और मैं मुलायम सिंह यादव हूँ जैसी फिल्में भी शामिल हैं। इनके उसी साधारण से लुक को देखकर फिल्म डायरेक्टर्स भी इन्हें काम देने से मना कर देते थे, फिर भी यह लगातार कई फिल्म डायरेक्टर से मिलते और फिल्मों में काम करने के लिए भीख मांगते रहे, जिसके बाद वह इस डिप्रेशन से निकल तो गए, पर इस डिप्रेशन ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। जी हाँ, इसके बाद दोबारा डिप्रेशन में ये चले गए थे, और उसका रीजन ये था कि इनके ऊपर एक बार रेप का FIR दर्ज कर दिया गया था, जिससे यह दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो गए, और इस बार भी इन्होंने पहले की तरह खुद को सभी से दूर कर लिया और उदास रहने लगे। पर बाद में इन्हें इनकी पत्नी मदालसा शर्मा का सहारा मिला, और इन्होंने इस बार डिप्रेशन को पहले जैसे खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी पत्नी और परिवार का साथ पाकर उससे इन्होंने फाइट की और जल्दी उस डिप्रेशन से बाहर आ गए, जिसके बाद बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और इस तरह इन्होंने अपने दूसरे डिप्रेशन से खुद को डाउन नहीं किया, बल्कि उससे बहुत कुछ सीखा, इसलिए आज ये एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वेल, आपको माक्षय चक्रवर्ती के डिप्रेशन के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।